आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की एक और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज जो कि इंक्रीज़ हुई हैं। तो आज हम जानेंगे कि उस डिपार्टमेंट में पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब बढ़ करके कितनी वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CGDA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो जिनकी नहीं दोस्तों का सपना डिफेंस डिपार्टमेंट की नौकरी करने का है, उन सभी के लिए यह एक अच्छा डिपार्टमेंट है और इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम और जानेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं जो कि इंक्रीज़ होकर के अब कितनी वैकेंसीज हुई हैं, पहले कितनी वैकेंसीज थी, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं और क्या इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें एक लेटर जो कि रिसीव हुआ था SSC के इस CGDA डिपार्टमेंट के थ्रू। या दोस्तों, इसमें लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर, जो कि लेटर नंबर है डेटेड 11/10/2022 रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ 112 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 112 पोस्ट अब हो चुकी है, जो कि पहले यह कितनी थी, 87 पोस्ट थी और अब यह बढ़ करके हो चुकी है 112, यानी कि ऑलमोस्ट 25 वैकेंसीज और इंक्रीज़ हुई हैं SSC के इस CGDA के डिपार्टमेंट में, जिसमें कि दोस्तों अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो आपकी SC की 16 वैकेंसीज़ हैं, ST की 8 वैकेंसीज़ हैं, OBCs की 30 वैकेंसीज़ है, UR की 47 है और EWS की 11 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये सारी वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं और ख़ास करके दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सभी वैकेंसीज़ ग्रेड डी के लिए है, यानी कि 2400 पे स्केल की जो ग्रेड डी की पोस्ट होती है, ये सभी वैकेंसीज़ ग्रेड डी की हैं। यानी कि अगर आप देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, और अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो उसे हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और ख़ास करके इससे अब जो कट ऑफ बढ़ने वाली थी आप लोगों की फाइनल, उस पर खासा असर पड़ने वाला है। कम से कम 1 से 2 नंबर का जो डिक्रीज़ होगा वो कट ऑफ में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा इस डिपार्टमेंट के बारे में, CGDA डिपार्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CGDA का जो डिपार्टमेंट है, इसमें कई सारे सब ऑफिसेज हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया सिचुएटेड हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें मेन जो पोस्टिंग है आपको दिल्ली ही मिलेगी, बट इसमें क्या होता है कि जितनी आपकी रैंकिंग अच्छी है अकॉर्डिंग टू दिस वैकेंसीज जो कि CGDA की हैं, उसमें आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतने आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली मिलने के अच्छे से अच्छे चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद काम करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ना सिर्फ आपको जॉब मिलेगी बल्कि साथ के साथ आपको एक डिफेंस का टैग मिलेगा कि जी हाँ दोस्तों, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं। और जानते ही हैं दोस्तों, जहाँ भी आप जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक अलग ही पर्सनैलिटी और एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है आम पब्लिक के बीच में। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप इस डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे तो आपको जिस प्रकार से सभी आर्मी पर्सनल को कैंटीन कार्ड मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी आपकी इस जॉब के साथ साथ। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है और उम्मीद करता हूँ जितने दोस्त इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होंगे, उनके लिए एक अच्छी लाइफ की उम्मीद करता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद आपको जॉब करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ जब आपका कैंटीन कार्ड बन जाएगा तो आप सब्सिडाइज्ड रेट पर चीज़ों को कैंटीन से परचेज कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी सामान को मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।